दोस्तों, आज का मानव धरती का सबसे विकसित जीव है, जो कि हम सभी जानते हैं। क्योंकि जिस तरह मनुष्य अपने सामाजिक स्तर को विकसित किया है, वो अपने आप में अलग है। लेकिन मनुष्य यहाँ पहुँचा कैसे? आखिर सही से न चल पाने वाला आदि मानव आज का आधुनिक मानव कहलाने लगा। क्या यहाँ तक पहुँचना वाकई इतना आसान था? शायद नहीं, हरगिज़ नहीं। तभी तो मनुष्यों को यहाँ तक पहुँचने में हजारों साल लग गए। दोस्तों, आज के समय में हम जैसे ज़िंदगी जीते हैं, वो ज़िंदगी बिल्कुल अलग है जो मानव हजारों साल पहले जीता था। आज से तकरीबन 20 लाख साल पहले के वक्त यानी ससाड़ काल में मानव जंगली पशुओं के बीच जंगलों में रहता था, चार पैरों पर चलता था, खाने के तलाश में इधर उधर घूमता था। रात होने पर जानवरों से खुद के बचाव के लिए वो पेड़ों पर चढ़कर रहता था। धीरे धीरे वह ठंड और बरसात से बचने के लिए उसने गुफाओं का सहारा लेना शुरू किया। जैसे जैसे परिस्थितियाँ उत्पन्न होती गई, मानव ने खुद को उसमें ढालना शुरू किया। ये संभव है कि जब मानव ने पेड़ों पर लगे फलों को देखा होगा, तब उनको तोड़ने के लिए वो धीरे धीरे शरीर को बैलेंस किए चार पैरों के बजाय दो पैरों का उपयोग करने लगा, जिससे उनके हाथ स्वतंत्र हो गए, जिसका उपयोग वो धीरे धीरे किसी चीज को पकड़ने और उठाने में करने लगा। फिर धीरे धीरे वो समय भी आया जब मनुष्य अपने पैरों का उपयोग चलने एवं हाथों का उपयोग काम करने के लिए करने लगा। दोस्तों, इस तरह मनुष्य में शारीरिक परिवर्तन होते गए। यकीनन जब वो पैरों पर खड़ा होने लगा होगा, तब वो अधिक दूरी तक देखने लगा होगा। आसपास की चीज़ों को देखने के लिए पूरे शरीर को घुमाने के बजाय सिर्फ गर्दन को घुमाने लगा। वो अपने हाथों का उपयोग पेड़ों की टहनियाँ पकड़ने, फल तोड़ने, खाना खाने और खाना लाने के लिए करने लगा। दोस्तों, जाहिर सी बात है कि जब शारीरिक परिवर्तन हुआ तो मानव के सोचने की शक्ति का भी काफ़ी तेजी से विकास हुआ। लगातार होने वाले परिवर्तन की वजह से अब मनुष्य अपने मूलभूत आवश्यकताओं जैसे भोजन, आवास और अपने सुरक्षा के बारे में भी सोचने लगा। भोजन की तलाश में घूमते रहने के साथ साथ वो भोजन इकट्ठा भी करने लगा और जंगलों में जानवरों से बचाव के लिए वो औजारों का निर्माण करने लगा। वैसे आदि मानव को आधुनिक मानव बनने में औजारों का बहुत बड़ा योगदान रहा। औजारों के दम पर ही मनुष्य ने शिकार करना सीखा, औजारों से औजार बनाना सीखा और सबसे महत्वपूर्ण औजारों से अपने से ज़्यादा ताकतवर जंगली जानवरों से बचाव करना सीख गया। अगर मनुष्य खुद का बचाव नहीं कर पाता तो उसका हजारों साल से धरती पर टिके रहना असंभव था। आपके जानकारी के लिए बता दें कि सबसे पहले मानव ने लकड़ी के हथियार बनाए। समय के साथ साथ जब वो थोड़ा विकसित हुआ तो उसे लगने लगा कि ये लकड़ी के हथियार इतने कारगर नहीं है, जिसके बाद उसका ध्यान पत्थरों के हथियार बनाने की तरफ गया। लगभग 2.6 मिलियन साल पूर्व इथोपिया के गोना में मनुष्य ने पहली बार पत्थरों से हथियार बनाना शुरू किया। पत्थर से हथियार बनाने की उनकी जिज्ञासा ने माइक्रोलिथिक नामक जबरदस्त और क्रांतिकारी औजार को जन्म दिया। माइक्रोलिथिक आमतौर पर एक चमत्कार पत्थर से तैयार किया गया एक छोटा किंतु धारदार हथियार होता है। ये प्रायः 1 सेंटीमीटर लंबा तथा 0.5 सेंटीमीटर चौड़ा होता था। इन औजारों को आज से 35,000 से 3,000 वर्ष पहले यूरोप, अफ्रीका और एशिया और ऑस्ट्रेलिया में हमारे पूर्वज मनुष्यों द्वारा तैयार किया गया था। माइक्रोलिथिक औजारों का उपयोग भाले के सिरे तथा तीर के नुकीले सिरे को बनाने में उपयोग किया जाने लगा। शिकार करने के लिए तैयार किए गए माइक्रोलिथिक औजारों को मानव द्वारा काफी लंबे समय तक शिकार करने के लिए उपयोग किया जाता था। आपको बता दें कि ससाड़ काल के अंतिम चरण को नौ ससाड़ युग कहा जाता है। 7,000 साल पूर्व का यह समय मुख्यतः धरती पर खेती की शुरुआत तथा पत्थरों के तराशे हुए हथियारों और औजारों के लिए प्रसिद्ध है। इस काल में लोगों ने घिसे और पॉलिश किए गए पत्थरों के साथ साथ हड्डियों से बने औजारों के माइक्रोलिथिक ब्लेड का भी निर्माण किया। ब्लेड नामक इस औजार को पत्थर के कोर को घिसकर नुकीला करके तैयार किया जाता था। समय के साथ साथ उन्होंने कुल्हाड़ी, छेनियाँ और शील्ड भी बनाए। औजारों के निर्माण से मनुष्य के समय की भी बचत होने लगी। शिकार करना आसान हो गया, खुद का बचाव करना आसान हो गया, जिससे मनुष्य अन्य स्तरों पर भी विकास करने लगा। 9 ससाड़ तक आदि मानव ने पशुपालन और खेती करने के प्रारंभिक तरीकों को भी विकसित कर ली थी। अब वो जान गया था कि शिकार के साथ साथ पशुपालन उनके लिए कितना महत्वपूर्ण है। पशुओं से वो कई तरह के काम करवा लेता था, शिकार करने में कुत्ता, खेती में बैल, दूध प्राप्त करने में गाय, भैंस, बकरी, मांस प्राप्त करने में भेड़, बकरी, भैंसा, सवारी हेतु बैल, भैंसा, घोड़ा आदि का उपयोग करने लगा था। पुरातत्व वेदों के अनुसार भारत में कृषि की शुरुआत आज से लगभग 10,000 साल पहले हो चुकी थी। इस समय में इंसान रागी, चना, कपास, चावल, गेहूं और जौ की खेती करना सीख गया था। खेती सीखने के बाद आदि मानव का भोजन में घूमना फिरना कम हो गया। अब वो जान गया था कि मानव और पशु पक्षियों द्वारा खाकर फेंके गए फलों के बीजों से नए पौधे उगाए जा सकते हैं। खेती करने की कला एक महत्वपूर्ण खोज थी, जिसके कारण मानव को भोजन के तलाश में भटकने की जरूरत नहीं रही और अब उसने एक जगह बसना सीख लिया। लेकिन मानव को जब खाद्य सामग्री की जरूरत पड़ने लगी, तब उसने जमीन की खुदाई पत्थर, लकड़ी, हड्डियों से बने यंत्रों से करके जमीन